2017 में 3 मार्क्स का आया हुआ बहुत प्यारा शानदार क्वेश्चन करेंगे और करेंगे कैसे ध्यान से समझेंगे। मैक्सिमम बच्चे इसमें भी गलती करेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। देखो क्या लिखा है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 वॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। तो पहले लिखेंगे गुड पेन, मतलब गुड पेन्स जो बिल्कुल सही है, गुड पेन्स कितने हैं 144, और डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं 20। ठीक है, एक काम करो इसको गुड पेन मत लिखो वरना गलती कर दोगे, इसको लिखो टोटल पेन्स, टोटल पेन्स। ठीक है, टोटल पेन्स कितने हैं 144, डिफेक्टिव पेन कितने हैं 20, तो गुड पेन कितने होंगे, गुड पेन्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, नॉर्मल सा है, आपके पास 100 आम है, ठीक है, 100 में से 20 सड़े हुए हैं तो कितने हुए 80। आपने कैसे निकाला, 100 - 20 = 80, वही काम इसमें करना है, 144 - 20 तो इक्वल टू कितना आएगा 124। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ए पार्ट देखो क्या कह रहा है, द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रेंडम फ्रॉम द लॉट एंड गिव इट टू द कस्टमर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कस्टमर विल बाय द वॉल पेन। मतलब कस्टमर अच्छा पेन खरीदे, मतलब इसमें दिया नहीं, कंडीशन दी है तो वो गुड मान के चलेंगे, इसमें क्योंकि दिया हुआ है कि विल नॉट बाय, तो इसमें विल नॉट कर रहा है और इसमें बाय करेगा तो अच्छे पेन खरीदते हैं ना, तो हमारे पास फेवरेबल केस कितने होंगे, फेवरेबल केस देखो सोच के जवाब देना, फेवरेबल केस 124 होंगे कि 20 होंगे, भाई गुड पेन खरीदना है ना तो गुड में से 124 में से वो सिलेक्ट करेगा ना, 124, और टोटल पेन कितने, टोटल ये लिखा हुआ है टोटल कितने 144, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस कितने 124 और टोटल केस कितने 144, दोनों को कट कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको अगर 3 से तो 3 और ये 1 और इसको करेंगे तो 100 और 44 11 25 और 11 36, यही आंसर आएगा। ठीक है, दोनों 4 से कट कर रहे हैं, सिंपल सा है, ए पार्ट समझ में आ गया, 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखो कितना बेहतरीन सामना। अब इसे बी पार्ट देखिए मेरे को, अब बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट में क्या कह रहा है। ठीक है, बी पार्ट, अब बी पार्ट में कह रहा है कस्टमर विल नॉट बाय द वॉल पेन, कि वॉल पेन खरीदने के चांस क्या है ना हो। भाई दो तरीके है, या तो सिंपल सा है कि 20/144 कर लो, क्योंकि यही तो है ना, इसी से तो नहीं खरीदेगा ना, कि मतलब बेकार वाले पेन और टोटल पेन, टोटल पेन कितना है, टोटल पेन, तो आंसर कितना आ जाएगा 144, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 20/144, दोनों कट जाएंगे किससे 4 से, तो ये 5 बारी में जाएगा और ये कटेगा तो 36 बारी में जाएगा, है ना। इसी को दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से, ये समझ में आ गया, ये आंसर है, ये इसको लिख लो, ये आंसर है, और इसको इसी को सेकंड वे बोर्ड 2017 में 4 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही दमदार और सॉलिड क्वेश्चन है, 100% गलत करोगे, वीडियो को पूरी देखना वरना पक्का गलत करोगे, भाई प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, पक्का गलत करोगे, आप नहीं समझोगे 100% गलत करोगे, वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, एक एक कंसेप्ट समझा रहा हूं और कैसे अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, केस बेस में आ सकता है 4 नंबर का, ये उसमें भी आ सकता है 4 नंबर का, डायरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स जैक एंड किंग ऑफ रेड कलर आर रिमूव, एंड देखो यहां से जैक और किंग कैसे है, जैक एंड किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, और यहां पढ़ो ध्यान से, क्वीन एंड एस ऑफ ब्लैक कलर, ध्यान से, तो हमें ये लिख दिया हमने, भाई हमें पता है कि 10 कार्ड तो 10 नंबर वाले कार्ड होते हैं, 10 नंबर कार्ड्स 1 to 10 ऐसे लिख लो, 1 to 10 नंबर कार्ड्स, और एक किंग, एक क्वीन और एक जैक, ठीक है, और एक ही एस होता है, एस इक्का जिसको बोलते हैं, या ऐसे लिख लो 1 to, ये 1 to मत लिखो यहां से, क्योंकि 2 to 10 लिख लो, ठीक है, तो ये कंडीशन है, क्यों, अब एस क्यों लिया, देखो इसमें एस दिया हुआ है, सेम यही चीज इसमें होगा, है ना, सेम यही चीज इसमें होगा, सेम यही चीज इसमें होगा, चारों में सेम केस होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कि जैक एंड किंग ऑफ रेड कलर, मतलब रेड कलर के जैक और रेड कलर के किंग, मतलब कितने कार्ड बाहर निकाल दिए, रेड जैक एंड क्या है किंग, तो कितने होंगे, टोटल 4। ठीक है, यहां तक समझ में आया, क्लियर है यहां तक,
मतलब दोनों दोनों रेड और दोनों किंग रेड कलर के निकाल दिए और क्वीन और एस ब्लैक कलर के निकाल दिए। अब क्या करना है हमें, क्वीन एंड एस ऑफ ब्लैक, ठीक है। ये भी कितने होंगे, ये भी चार होंगे। कैसे होंगे भाई, दो यहां होंगे, एक क्वीन और एक एस, और एक क्वीन और एक एस यहां भी दोगे, तो दो और दो चार यहां से हटे और दो और दो चार यहां से हटे। टोटल कितने कार्ड हट गए, हट गए हमारे, कितने हट गए, तो अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने बचे, टोटल कार्ड, ठीक है, टोटल कार्ड कितने बचे, 52 माइनस 8 मतलब 44। अब हमें 44 पे काम करना है, ये इसलिए कह रहा था ध्यान से समझना वरना आप यहीं पे गलती कर दोगे, ये मिटा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। पहला पार्ट, ए पार्ट, ठीक है। तो टोटल केस कितने हैं, टोटल टोटल कार्ड कितने बचेंगे अब हमारे पास, 44, ठीक है। अब फेवरेबल केस, फेवरेबल फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल केस कितने होंगे ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, अ ब्लैक क्वीन, ठीक है। अब ब्लैक क्वीन निकालनी है, अब ध्यान समझो, क्वीन एंड एस ऑफ ब्लैक क्या कर दी हमने, रिमूव कर दी, तो ब्लैक क्वीन बचेगी, नहीं बचेगी, तो फेवरेबल केस कितने होंगे, जीरो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। तो फेवरेबल कितना है, जीरो, और टोटल कितना है, 44, मतलब अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा इसका, जीरो, एक नंबर का तैयार, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना दूसरा पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट, इसमें पक्का गलती करोगे आप, बी मतलब टोटल कार्ड, पहले लिख लो टोटल कार्ड, टोटल कार्ड कितने हैं, 44। अब फेवरेबल देखो, फेवरेबल फेवरेबल कार्ड, ठीक है, ध्यान से समझना, कार्ड ऑफ रेड कलर, भाई देखो ध्यान से समझना, रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं, 26 भाई, सर 13 हार्ट के और 13 डायमंड के, तो 26 हो गए, 26 में से हमने 4 हटा दिए, तो फेवरेबल केस कितने बचे, तो 26 माइनस 4 मतलब 22। यहां तक समझ में आया अच्छे से, मतलब फेवरेबल केस यहां तक क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना में बोलो, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। फेवरेबल कितने हैं हमारे पास, 22, और टोटल कितने हैं, 44। दोनों कार्ड के क्या आंसर आएगा, 1/2 आंसर। यहां तक समझ में आया, क्लियर है, सिंपल सा है ना, आ गया। तीसरा देखो आप, सी पार्ट, सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में क्या कह रहा है, जेट ऑफ ब्लैक कार्ड, ध्यान से देखना, जेट निकालना है ब्लैक कार्ड का, भाई ब्लैक कार्ड में से तो कुछ नहीं निकाला भाई, तो जेट कितने होंगे ब्लैक कार्ड के, दो होंगे, यहां से कंफ्यूज मत होना, रेड से निकाला है ब्लैक से नहीं, और यहां ब्लैक से निकाला है रेड से नहीं, और ब्लैक से क्या निकाला है, क्वीन और एस, जेक को नहीं छेड़ा है, तो यहां पर फेवरेबल केस कितने होंगे, फेवरेबल 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 केस, तो कितने होंगे फेवरेबल केस, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 2/44, कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/22। यहां तक समझ में आया, सिंपल सा है, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से समझना लास्ट, ठीक है, लास्ट वाला हिस्सा, फेस कार्ड, ठीक है, ध्यान से समझना, हमारे कितने फेस कार्ड, पहले फेस कार्ड होते कितने टोटल, सिंपल सा सोच के जवाब देना, सर दो दो चार किंग होते हैं, चार क्वीन और चार जैक, 12 होते हैं, 12 में से कितने निकल गए, दो जैक और दो किंग यहां निकल गए, मतलब चार और एक क्वीन, दो क्वीन यहां निकल गई, 6, तो टोटल फेस कार्ड कितने निकल गए, 6। तो फेवरेबल केस कितने होंगे, फेवरेबल केस, ध्यान से समझना भाई, 12 होते हैं, 12 में से कितने हटा दिए मैंने, 6, तो बचे कितने, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 6/44, काटेंगे किससे, 2 से, तो 3/22, यही आंसर है। बहुत ही प्यारा दमदार क्वेश्चन है बेटा, केस बेस में जरूर आएगा, 100% चांस है इस क्वेश्चन के आने के, बिल्कुल अच्छे से समझना, वीडियो को पूरा देखना, फिर से ना समझ में आए एक एक स्टेप समझना, नोट डाउन करना, अल्टीमेट क्वेश्चन है, जरूर आएगा, एग्जामिनर का फेवरेट है भाई, एग्जामिनर का फेवरेट है ये, आना ही है, 100% आएगा।
प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, और मैक्सिमम बच्चे कार्ड वाले क्वेश्चन गलत करते हैं, मैं अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ। तो अच्छे से समझना एक एक कंसेप्ट, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, मैं जरूर बताऊंगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो बच्चे लोग। में एक मार्क्स का आया था ये क्वेश्चन, 1 मार्क्स, लेकिन ये क्वेश्चन इतना शानदार है, 1 मार्क्स में आने लायक है नहीं, लेकिन देखो 1 नंबर में भी कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कायदे से 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन अब बोर्ड ने पूछा है तो पूछा है। देखो इस क्वेश्चन में गलती कहाँ होगी और आप क्या मिस्टेक करोगे, ध्यान से समझना, ठीक है, क्वेश्चन आराम से बिल्कुल पढ़ना, एक एक स्टेप समझना। क्या कह रहा है, कार्ड मार्क्स विद द नंबर 3, 4, 5, 6, 50, मतलब कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं 3 से लेके 50 तक, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे यहीं पे, देखो गलती क्या होगी, टोटल नंबर कितने लिखेंगे बच्चे, तो 3 से लेके 50 तक, तो 3 - 50 - 3 = 47, जो कि गलत है। टोटल नंबर कभी कितने नहीं आएंगे, टोटल नंबर कितने आएंगे बताता हूँ, जब भी ऐसा दिया हो कि बीच के नंबर निकालने, कुछ नंबरों के बीच में, तो क्या करना, सबसे बड़े वाले को लिखना, सबसे एंड में कौन सा है 50 है, माइनस सबसे छोटे वाले को लिखना और प्लस 1 कर देना, तो कितने आंसर हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 47 + 1 मतलब 48, इनके बीच में टोटल कितने नंबर है 48। पहला केस समझ में आया, यहीं पे गलती हो जाएगी। दूसरा देखो फेवरेबल केस, अब हमें फेवरेबल केस देखना है, फेवरेबल केस, ठीक है, फेवरेबल केस क्या क्या बनेगा यहाँ पे ध्यान से समझना। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे यहीं पे देख लो, चलो यहीं पे देख लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49, क्या इसके आगे जाने की जरूरत है, नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि 50 आ गया। अब केस क्या मिलेंगे, पहले वाला केस क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कट कर दो, आप यहाँ पे गलती कर दोगे, आप पहले वाले को भी काउंट कर लो, ध्यान रखना ये नहीं करना है। तो केस कितने मिले हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फेवरेबल केस कितने हुए 6, तो प्रोबेबिलिटी हमारी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस कितना है 6 और टोटल केस कितने हैं 48, तो इसको काट लेंगे आर्चिंग 48, तो 1/8 मतलब कितना आ जाएगा ये 0.0125 आएगा, समझ लो, या 0.25 सही, हाँ ये तो आएगा, समझ में आया, ये इसका आंसर है। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, कहाँ गलती होती होगी आपसे, मैंने बिल्कुल अच्छे से बता दिया, ध्यान से समझना, एक एक स्टेप पढ़ना, कोई संदेह हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, अच्छे से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैंने प्रोबेबिलिटी के अब तक 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है, उन सारे चैनल को प्लेलिस्ट में जाओ और देखो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड के सारे कंसेप्ट मैंने कवर किया है, ऑलमोस्ट लगभग उन्हीं को अगर आपने देख लिया तो आपका बोर्ड में कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय, खुश रहो, तैयारी करते रहो और अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, भगवान की कृपा से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है, नोट डाउन करो, अगली वीडियो में मिलते हैं। 2016 में एक और दमदार क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आप इसमें भी 100% गलती करोगे, क्या गलती करोगे देखो बताता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे पहले क्या क्या रहा है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स है मतलब टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास, टोटल कार्ड्स 52, ठीक है। अब ध्यान से देखना फेवरेबल केस कितने होंगे, यहां पे देखना आप क्या गलती करोगे वो बताता हूं मैं, फेवरेबल केस कितने होंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर और रेड कार्ड नोर अ क्वीन, मतलब हमें कार्ड निकालना है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ना तो रेड कार्ड हो और ना ही क्वीन हो, आई बात समझ में, गलती आप क्या करोगे इसमें, कई लोग कैसे करवाते हैं कि इसको नीदर की जगह इधर मान लो और फिर आंसर निकाल दो और उसको 1 में से माइनस कर दो, लेंथी प्रोसेस है, इससे बढ़िया सीधा यहीं पर दिमाग लगाओ ना यार, क्यों इतना लेंथी कर रहे हो, गलती कहाँ होगी वो बता रहा हूँ, कि क्या लिखा आपने कि नीदर और नाइदर और रेड कार्ड नो रखें, आप लोग क्या करोगे भाई रेड कार्ड कितने होते हैं 26 और क्वीन कितनी होती है 4, तो आप कितने लिख दोगे 30, जो कि बिल्कुल गलत है, क्यों गलत है देखना ध्यान से,
भाई ये जो 26 कार्ड है तो दो क्वीन इसमें भी तो निकल गई भाई, दो क्वीन इसमें भी तो होगी, तो अल्टीमेट फेवरेबल किस कितने होंगे, 26 प्लस 2 मतलब 30 और 28, ठीक है, कितने होंगे अल्टीमेट हमारे केस 28, ठीक है, ये हमारा है। लेकिन हमें ये भी नहीं लेना है, सर क्या बात कर रहे हो सर, उलझा रहे हो, परेशान कर रहे हो, अरे नहीं भाई ध्यान से समझो, ये तो इधर के केस है, आने के ना आने के केस क्या होंगे, तो ना आने के केस क्या करेंगे हम, 52 माइनस 28, तो 52 में से 28 को माइनस करेंगे, तो यहां पे करेंगे 52 में से 28, 30 और 40 50 24 बचेगा, कितने बचेगा 24, तो अल्टीमेट फेवरेबल केस कितना होगा हमारे पास 24। आई बात समझ में, कैसे किया मैंने क्लियर अच्छे से एक एक स्टेप, तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहां पे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, फेवरेबल केस कितने में ये, और टोटल केस कितने हैं 52, 4 से कट जाएगा तो ये 4 से कटेगा तो 6 और 4 से कटेगा तो ये 13, यही इसका आंसर है। आई बात समझ में, वहां पे देखो कैसे बाकी लोग कैसे करेंगे, ये इधर का केस है, इधर का तो क्या मान लेंगे 28 अपॉन 52, तो ये काट देंगे दोनों को, तो ये किससे कट जाएगा 7 चौक 28 और 13, और फिर इसको 1 माइनस 7 अपॉन 13 कर देंगे, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया 6 अपॉन 13। तो अननेसेसरी इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों करना है यार, यहीं पे करो ना, वहीं पे अच्छे से एडजस्ट कर लो, यहाँ पे एडजस्ट कर लो, क्यों इधर वो मान के ऐसे कर रहे हो, लेंथी कर रहे हो, अल्टीमेट तो दो स्टेप ज्यादा हो रहे हैं ना, इतना टाइम कहाँ रहता है, हमें तो एक ही स्टेप में करना है, तो यही इसका आंसर है, यही एक तरीका है, समझ में आया अच्छे से, अच्छे से समझना, वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, ऐसा नहीं हो सकता कि ना समझ में आए, बोर्ड का है वो एक नंबर का क्वेश्चन है, ये एक नंबर के क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको हल्के में मत लेना, मैंने पहले भी बोला था कि एक एक नंबर से ही हमारे 80 नंबर बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टास्क ही हमें पूरे उसकी ओर ले जाते हैं भाई, एमसीक्यू भी आपके 20 नंबर जा रहे हैं, आई बात समझिए, 20 नंबर का मतलब समझिए 4% मार्क वेटेज कैरीज कर रहे हैं आपकी परसेंटेज में, 4% सिर्फ एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू कवर कर रहा है, यानी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, तो अच्छे से समझो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, प्रोबेबिलिटी के मैंने अब तक 30 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाके देखना, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, ना समझ में आए मेरे से दोबारा पूछना, पर पूछना जरूर, बहुत प्यारे क्वेश्चन है वो, प्रीवियस ईयर मैंने सारे कवर किया और सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, उनको अगर देख लिया आपने तो ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत हो, ऐसा संभव ही नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मैंने कवर किए, ठीक है, वीडियो को जाओ चैनल पे जाके देखो और इसको भी लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और अपने दोस्तों को भी बताना, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय। 2016 का एक नंबर का क्वेश्चन, सारे देखो 1-1 नंबर में कितने प्यारे क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की स्टैंडर्ड देखो क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, 20 टिकट्स ऑन विच नंबर 1 to 20 आर रिटन आर मिक्स थ्रूली, कोई टिकट है उस पे 1 से लेके 20 तक नंबर लिखे हुए हैं और उनको मिला दिया गया, ठीक है, जैसे 1 नंबर 2 नंबर पर्ची खेलते थे ना, चोर सिपाही राजा वजीर वैसे मिला दिया, मतलब ऐसे पर्ची जैसे तंबोला में निकलता है वैसे, One ticket is drawn at random out of them. एक टिकट उसमें से निकाला, तो हमें क्या बताना है, find the probability that the number on drawn ticket is multiple of 3 or 7. कि जो वो नंबर निकाला हमने, जो 20 पर्ची में से एक पर्ची निकाली, वो 3 और 7 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कैसे करेंगे ध्यान से, पहले तो टोटल केस लिख लो, टोटल केस कितने होंगे, टोटल केस सिंपल सी बात है भाई सर, 20 टिकट है तो 20 आएगा, ठीक है, आई बात समझ में, अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, फेवरेबल केस कैसे निकालेंगे, ठीक है, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस, ठीक है, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, पहले 3 के मल्टीपल लिख लो, 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, ठीक है, क्लियर है, और तो कुछ नहीं होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 7 के मल्टीपल लिख लो, मल्टीपल ऑफ 7 मतलब क्या होगा, 7 और 14, 21 तो जाएगा नहीं भाई, 21 तो है ही, 20 नंबर है, अब केस गिन लो टोटल कितने फेवरेबल केस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर इसमें ये नंबर ज्यादा जाते, ज्यादा मतलब इन द सेंस 40 तक या 50 तक या 100 तक, तब वह करते, तब कैसे करते, तो उसमें मल्टीपल लिखते और देखते जहां जहां पे कॉमन है उसको कट कर देते, आई बात समझ में, जैसे यहां पर 21 आएगा अगला और इसमें भी 21 आएगा, तो 21 को एक ही बार काउंट करेंगे, दो बार नहीं, आई बात समझ में, खैर यहां तो 20 तक ही है तो उस हिसाब से बताना है मुझे, तो हमारे पास फेवरेबल केस कितने हो गए, टोटल सारे नंबर को काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आ रहे, ठीक है, तो अल्टीमेट अब आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस कितना होगा 8 और टोटल केस 20, उससे काट लिया हमने, क्या बोलते हैं इसको, 4 से तो 2 जा
और 4 से काटा 5 जा, तो फिर अल्टीमेट आंसर कितना जाएगा 0.4। यही आंसर है एक नंबर का। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर पूरे खरे आपके। आई बात समझ में, मुश्किल से 3 मिनट लगे और 3 मिनट में आपका एक नंबर तैयार हो गया। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करो, सोच के करो, कभी आंसर गलत नहीं होगा। जल्दी जल्दी में करोगे, कम पढ़ोगे, करोगे ज्यादा, पढ़ोगे भी कम, और ज्यादा अपने से कुछ कुछ थ्योरी बना के कुछ भी लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल एक्यूरेसी पे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आपका सब्जेक्टिव पेपर है। आई बात समझ में, नोट डाउन करो अच्छे से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और चैनल पे जाके पुरानी वीडियो देखना, उस पर मैंने अब तक 30 प्रोबेबिलिटी की वीडियो डाली है, सारे क्वेश्चन करवाए हैं प्रीवियस ईयर्स के, बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन है। उनको देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि बोर्ड में उसके बाहर कोई कंसेप्ट पूछ ले, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपको समझ में ना आए। पूरी वीडियो को वॉच करो, अच्छे से देखो, बिल्कुल समझ में आएंगे। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर के आए हुए बेस्ट क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तब तक खुश रहो, मस्त रहो और तैयारी करते रहो। बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।